हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो लाइक जरूर करना। अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसीज आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। और इसके अलावा आप मेरे साथ आगे भी जुड़ना चाहते हैं और जॉब चाहते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई पैसा नहीं आपको लोगों का लग रहा है यहाँ पे, आप लोगों को बस अप्लाई करना है। हाँ, किसी स्कूल की फीस हो सकती है, वो तो पे करनी ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहली वैकेंसी है पीजीटीज के लिए, 71,000। साफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 71,000 सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। 5 साल का आपके पास, 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में विद द सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन विद बीएड। अगली वैकेंसी है पीजीटीज के लिए, अप्रोक्सीमेट सैलरी 67,000 आपको मिलेगी। सोशल साइंस, संस्कृत और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं, जिनका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्रेफरेबली लिखा है। प्रेफरेबली का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, जरूरी नहीं है कि 5 साल ही होना चाहिए, प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब आप फ्रेशर भी हैं ना, और क्वालिफिकेशन आपकी लाइक ग्रेजुएशन, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन भी है, ठीक है, बीएड की है, सिंपल, कोई सी टेट नहीं आपने क्वालिफाई किया, अप्लाई कर दीजिए अगर आप फ्रेशर भी है तो। इसके अलावा टीआरटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ओके, और 53,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगी पर मंथ। हिंदी, जर्मन, फ्रेंच और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए, 2 साल का, प्रेफरेबली 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सी टेट वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, सी टेट कंपल्सरी नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, घबराना नहीं है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद अकाउंटेंट चाहिए, सैलरी नेगोशिएबल है, सैलरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी कॉम एम कॉम, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, और 60 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। स्विमिंग कोच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, सैलरी नेगोशिएबल रहेगी। इसके अलावा पब्लिकेशन इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स या फिर बैचलर हो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, और अच्छा खासा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप अप्लाई जरूर करें। अब नोट करने वाली बात यह है कि ऑल द क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। अच्छा, जितनी भी पोस्टें हैं सबके लिए कंप्यूटर में अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ओके, एंड बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज विल बी प्रेफर्ड। मतलब 40 साल से कम एज होगी तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा भी आपकी एज है ना, तब तो अप्लाई करें, क्योंकि प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि जी 40 से नीचे वाले को रखा ही नहीं जाएगा, आपकी 50 भी एज है अप्लाई कर दीजिए। और दोज हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्कूल की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने प्रिंट आउट निकालना है उसका, और हार्ड कॉपी जो है उसकी एप्लीकेशन फॉर्मेट की, उसको अच्छी तरह से भर देना है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है, और अपने बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th क्लास से लेकर के ऑनवर्ड्स जितने भी, सभी की फोटो कॉपीज अटैच कर देनी है, और डिमांड ड्राफ्ट लगाना है 500 रुपीज का इन फेवर ऑफ डेली पब्लिक स्कूल BSCT, ठीक है, पेबल एट बोकारो स्टील सिटी एट द स्कूल ऑफिस, 3 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट रहेगी। और आपने नाम भी लिखना है और वो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर आपने ये जरूर लिखना है, और डिमांड ड्राफ्ट जो होगा उसकी बैक साइड में भी लिखना है। बाकी आप लोगों को देखिए, द कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी रियम्बर्स टू एंड फ्रो, आने जाने का, रेल का, बस का किराया मिलेगा अगर बाई द शॉर्टेस्ट रूट बियॉन्ड 100 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर कि दूरी से ज्यादा दूरी से अगर आप आ रहे हैं इंटरव्यू अटेंड करने, तो आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन CV सेंड टू ऑफिशियल ईमेल एड्रेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड,
जो एप्लीकेशन सीवी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप भेजते हो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल मैंने आप लोगों को बता दिया। सेंड प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि एन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो मतलब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो ना तो ये है, इसका मतलब कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो जो फॉर्मेट है ना वो भेजना है आपने। कई बार क्या करते हैं हम, अपनी अपना सीवी जो है डायरेक्ट मेल एड्रेस पे जी चला गया मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल को, वो गलत है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनकी साइट पे लेके जाता हूँ डायरेक्टली। ये इनकी साइट पे हम चलते हैं, www.dps, ये आ गई इनकी साइट, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया से मंगवाई हुई है। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा इनकी जो जो अभी साइट हम देख रहे थे वहीं पे आप लोगों को दोबारा से लेके जाऊंगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये देखो यहाँ लिखा है करियर विद अस हायरिंग, वो तो मैंने क्लिक किया तो आपका वो फॉर्मेट पीडीएफ निकल आई थी। यहाँ नोटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्कूल अपॉइंटी सेशन 2021, ये यहाँ से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को आपने फिर इनको भेजना है। तो देखिए ये लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर वैकेंसी 2021-22, क्लिक हियर फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगी। ठीक है, विजिट अस एट दिस ईमेल आईडी, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये देखिए, ये इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, देखो डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 22 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, लास्ट डेट है 30, यहाँ पे बता रहा है 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, तो अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करना चाहते तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो तो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वैकेंसी, तो क्लिक हियर टू गेट द वैकेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो 30/9/2021 को लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ये सारी डिटेल अच्छी तरह से पढ़ लेनी है आपने, उसके बाद ही आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों। तो ये जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया आपका, प्लीज प्रिपेयर ए डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक ऑफ 500 बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म एंड फिल इन द डिटेल्स ब्लॉक लेटर्स ओनली। तो ये सारे की सारी डिटेल इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, और यहाँ फिर चूज अपनी सीवी बायो डाटा यहाँ अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन इन्हें चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक बटन दबाना शुरू में दबा दिया करो, आप लोगों के लिए यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मैं जॉब्स लेके आ रहा हूँ। और इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की हेल्प करें, ये समय जो है एक दूसरे की हेल्प करने का है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में नई जॉब्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।